हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप तो जानते हैं कि जब भी हम एक कोको कोला की बोतल में किसी सॉल्ट को यानी नमक को मिलाते हैं तो एक अजीब प्रकार का झाग निकलता है और दोस्तों हमें एक अजीब प्रकार की रिएक्शन भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम मिलाने वाले हैं सॉल्ट को एक कोको कोला की बोतल में और दोस्तों देखेंगे आखिर हमें किस प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलती है और उसमें कितना झाग निकलता है। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में अंत तक और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया दोस्तों फटाफट से कर लीजिएगा। और दोस्तों चलते हैं, मिलाते हैं सॉल्ट को कोको कोला की बोतल में। तो गाइज हम लोग जो रिएक्शन करने वाले हैं वो करने वाले हैं कोको कोला वर्सेस सॉल्ट। जी हाँ गाइज, कोको कोला वर्सेस सॉल्ट। और इतना बड़ा तो रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि हमने ली है एक आधा लीटर की जो पेप्सी होती है वो, और ये है गाइज हमारा सॉल्ट। और अब हम इस सॉल्ट को मिलाएंगे इस कोको कोला की बोतल में। तो गाइज सबसे पहले जो हमारा काम है वो है इस कोको कोला को हम थोड़ा खाली कर लेते हैं। और इसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा खाली कर लेते हैं और अब हम मिलाने वाले हैं इसमें सॉल्ट को। गाइस सबसे पहले जो है हम इस थोड़े से कोको कोला में मिलाएंगे थोड़ा सा सॉल्ट और फिर हम मिलाएंगे इस बड़ी कोको कोला में। तो गाइज अब हम डालते हैं इसमें सॉल्ट और गाइज आप देख सकते हैं किस प्रकार का झाग निकलता है। और अब हम मिलाने वाले हैं गाइज इस बड़ी बोतल में सॉल्ट को और देखेंगे कितना झाग निकलता है इससे। ये 1 2 3 ओ गाइज देखो आप लोग, ओ गाइज गाइस मिलाने वाले इसमें दोबारा। ये और गाइस आप देखो दोबारा से इसमें सॉल्ट मिलाने से कोई रिएक्शन नहीं मिलती। गाइस आपने देखा ना हमें किस प्रकार की रिएक्शन देखने को मिली है और कितना झाग निकला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारी जो पेप्सी है वो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सारी जो है पेप्सी बह चुकी है और काफ़ी ऊपर तक जो इसका झाग है वो निकला था। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो मजा आया तो वीडियो करें लाइक और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया दोस्तों फटाफट से कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।